नमस्कार, 2018 का आखिरी पंचनामा लेकर हाजिर है हम पांच एंकर। 1984 दंगा मामलों का दोषी सज्जन कुमार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे आपको। जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद पर एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। यूपी सरकार एक्शन में है जी। और साथ ही आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के गढ़ में ही पीएम मोदी कैसे बीजेपी में नई संजीवनी फूंकने की तैयारी में है और क्या है वो तैयारी। मथुरा में बरसा है कोहरे का कहर। आज सुबह एक के बाद एक 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई। पूरी खबर आ गई। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज की उस बड़ी खबर से जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई थी। जी हाँ, भारी हंगामे की वजह से एक बार फिर से ट्रिपल तलाक बिल अटक गया है। आज राज्यसभा में बिल पेश होना था लेकिन हंगामे की वजह से सदन 2 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में सदन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। इस मामले में कांग्रेस का कहना था कि वो मौजूदा स्वरूप में 3 तलाक बिल को पास नहीं होने देगी। विपक्षी दल ने इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की। इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहिए, उसके बाद जब सेलेक्ट कमेटी में चर्चा करके वापस आएगा तो उस वक्त बहुमत के आधार पर ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन सेलेक्ट कमेटी के बगैर इस पे चर्चा हो नहीं सकती है। वहीं केंद्र सरकार ने विपक्षी पार्टियों पर बिल को लेकर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया और सेलेक्ट कमेटी की मांग को खारिज कर दिया। इस बिल को जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अन्याय, जो अत्याचार हो रहा है, सरकार चाहती है कि वो अन्याय अत्याचार ना हो। जिस बिल को जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसके ऊपर बिल पास होना चाहिए, इसको सिर्फ डिले और देरी करने के लिए सेलेक्ट कमेटी की आज बात कर रहे हैं। भारी हंगामे और विरोध के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 जनवरी तक स्थगित कर दी गई है। तो अब 2 जनवरी का इंतजार है। वैसे 3 तलाक बिल राज्यसभा में पास कराना केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है। उसकी वजह क्या है, आइए ये जान लेते हैं। राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। राज्यसभा में एनडीए के 93 सदस्य हैं, जबकि यूपीए के 68, वहीं अन्य 83 सदस्य हैं। अगर राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास कराने के लिए वोटिंग हुई तो केंद्र सरकार को बिल पास कराने के लिए कम से कम 123 वोट की जरूरत होगी, जबकि राज्यसभा में एनडीए की संख्या बहुमत से 30 कम है। ऐसे में उन्हें अन्य की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बिल को लेकर केंद्र सरकार को अन्य का भरोसा जीतना होगा। इस बीच विपक्ष सेलेक्ट कमेटी को बिल भेजने की मांग कर रहा है। सेलेक्ट कमेटी सांसद सदस्यों की वो कमेटी है जिसके सदस्य किसी बिल को लेकर जांच करते हैं। इसमें कितने सदस्य होंगे ये राज्यसभा तय करता है। अगर इसके 1/3 सदस्य बिल से सहमत होते हैं तो फिर इस पर रिपोर्ट राज्यसभा के चेयरमैन को भेजा जाता है। सदस्य अपनी असहमति भी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला चेयरमैन का ही होता है। वहीं इसी मामले का एक और पहलू भी जान लीजिए। 3 तलाक के मुद्दे में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, मुस्लिमों के मामलों में ना घुसे सरकार, वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे मुल्क में जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं आप? पहले ही आपने उनके हाथ पांव काट दिए बी बैन और लेदर पे बैन लगा के, तो उसके बाद आप उनके घरों को भी तोड़ के क्या क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? हमारे रिलीजन में इंटरफियर ना करें तो ज्यादा अच्छा है, करेंगे तो आगे आने वाले वक्त में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब बात उस खबर की जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही है। आपको बता दें, 1984 सिख विरोधी दंगा का दोषी सज्जन कुमार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आज दोपहर करीब 2 बजे सज्जन कुमार ने करकरडूमा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद सज्जन कुमार को कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली स्थित मंडोली जेल भेजने का आदेश दिया। हालांकि सज्जन खुद को तिहाड़ जेल भेजने की मांग कर रहा था, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। सज्जन से पहले 2 और दोषी महेंद्र यादव और किशन खोकर ने भी सरेंडर किया। यादव और खोकर को 10-10 साल की सजा हुई है। 17 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को नवंबर 1984 में पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या और राजनगर पार्ट 2 में गुरुद्वारा फूंकने से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को आत्मसमर्पण करने के लिए 31 दिसंबर तक की समय सीमा निर्धारित की थी। तो कोर्ट के सामने सरेंडर करने के बाद सलाखों के पीछे तो पहुंच गया सज्जन कुमार, लेकिन उसको उम्र कैद की सजा मिलने से 84 सिख दंगों के पीड़ित परिवार संतुष्ट तो हैं, लेकिन वो अब भी फांसी की मांग कर रहे हैं। तो बस हमारी तो यही मांग है, इसको फांसी आनी चाहिए। सरकार से तो मैं हाथ जोड़ूंगी, भाई इसको फांसी दो और कुछ मत दो, सजा भी ना दो, उम्र कैद भी मत दो, और सज्जन कुमार को फांसी दो,
हम इसमें खुश हैं। अब हमें ये सुकून है कि सज्जन कुमार अंदर गया, उसकी फैमिली भी कुछ तो दुख करेगी कि हमारे ना करते और ना ही होता। राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अब देखे ना, अगर उस जबी से हमें इंसाफ दिला देता तो इतना क्यों खिंचता ये लंबा। दिल्ली के अंदर इतने सिख मारे तो इसको सज्जन कुमार को भी फांसी देनी चाहिए, उम्र कैद नहीं देनी चाहिए। अगर उम्र कैद हुई तो इसके घर वाले कहेंगे चल हमारे सामने जिंदा है, फिर ये तरीकों पे जाएंगे, इससे मिलेंगे, फिर आगे बेल करेगा। मेरी तो यही क्या कहते हैं जज से वो होगी, मेरे को इसको उम्र कैद हटा के इसको फांसी से इंडिया गेट पे जल्दी से फांसी दी जाए दिल्ली में। तो सिख दंगों के पीड़ित परिवार को ये लग रहा है कि उन्हें इंसाफ तो मिला लेकिन वो पूरा इंसाफ नहीं था। उधर पीएम मोदी पर कांग्रेस के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी हमला कर दिया है। पीएम को उन्होंने ब्लैकमेलर कहा। हफ्ते भर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दूसरी बार हमला करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें ब्लैकमेलर करार दिया, जो अपनी बात मनवाने के लिए हर किसी को धमकी देते हैं। అదే సమయంలో నాలుగు రోజులు కూడా టైం ఇవ్వకపోతే ఎవరికైనా షాక్ కింద రాదండి, అది ఒక పది రోజులు నెలలో టైం ఇచ్చి నోటిఫికేషన్ ఇస్తే వస్తారు కదా అని అంటే అది తప్ప. ఎంత హై హ్యాండెడ్నెస్ అండి, ఎంత హై హ్యాండ్ బిహేవియర్ అండి, అంటే రోహం చేయాలనుకుంటారు మీరు మా మీద పద్ధతి లేనది, అంటే ఎదిరించడం, బ్లాక్మెయిల్ చేయడం, లేకపోతే ఏదో చేస్తానంటాడు కదా, ఏం కేసులు పెడతా, ఏం పెడతానండి, నువ్వు కేసు పెడితే నేను నాలుగు కేసులు పెడతాను। पिछले रविवार को नायडू ने प्रधानमंत्री को खोखला व्यक्ति बताया था जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। नायडू ने दावा किया कि सीबीआई के निदेशक ने खुद ही कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला दर्ज कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। 2019 चुनाव से पहले ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में बीजेपी को संजीवनी देने की कमान अब पीएम मोदी ने खुद उठा ली है। बीजेपी मोदी की बड़ी रैलियों की तैयारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक अपनी लोकतंत्र बचाओ यात्रा ना निकाल पाने वाली बीजेपी अब यहां पीएम मोदी की कई रैलियों को आयोजित कराने की तैयारियां कर रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू होने से पहले खुद पीएम मोदी यहां कई रैलियों को संबोधित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के संगठन स्तर पर भी पीएम की रैलियों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। फिलहाल प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार जनवरी और फरवरी में पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री की रैलियां आयोजित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी 19 जनवरी को कोलकाता में महागठबंधन की बड़ी रैली के आयोजन करने की घोषणा की थी। चलिए आगे बड़े खबरों में। राम मंदिर पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा देश में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी रहते राम मंदिर नहीं बना तो हैरानी होगी। मोदी जी प्रधानमंत्री हो और योगी जी मुख्यमंत्री हो और फिर भी मंदिर के निर्माण का रास्ता ना निकले तो लोग इस बात से आश्चर्यचकित होंगे कि हम रास्ता क्यों नहीं निकाल सकते। तो देखिए, पहले दूसरे सवाल उठा रहे थे मंदिर को लेकर, लोग सवाल पूछ रहे थे, अब अपने ही लोगों ने जो अपने साथ सरकार में रहे 4.5 साल अब वही ये सवाल करने लगे हैं। आगे बढ़ेंगे। देश को संस्कार और अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली संस्था आरएसएस का एक और चेहरा धनबाद में देखने को मिला। यहाँ आरएसएस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। ये कोई गुंडे नहीं बल्कि गुंडों वाली हरकत कर रहे आरएसएस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो आपस में ही भिड़ गए और गाली गलौज की, घूंसे, थप्पड़ और चप्पल चलाई। ये देखिए, भगवा रंग का कुर्ता पहने ये शख्स पहले दूसरे शख्स को पीटता है और उसके बाद 3-4 लोग उसे ही पीटने लगे। ये तस्वीरें धनबाद की हैं, जहां क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन के बाद स्वयं सेवक आपस में ही उलझ पड़े। जानकर हैरानी होगी कि यहां खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। भागवत ने यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और फिर वो जैसे ही यहां से निकले कार्यकर्ताओं ने मारपीट शुरू कर दी। सेल्फ डिसिप्लिन का दावा करने वाली आरएसएस के कार्यकर्ता का एक ये रूप भी सबने देखा। आगे बढ़ते हैं। बाहुबली नेता अतीक अहमद की जेल से गुंडई की खबर एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर का संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार ने जेल में छापा भरवाया। छापेमारी के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आइए तो कुछ ऐसा कर कर आगे आइए, कुछ बहुत ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे। जेल से चल रहे रंगदारी का ये ऑडियो जब वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। आरोप है कि इस ऑडियो क्लिप में जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद लखनऊ के एक रियल एस्टेट कारोबारी को धमका रहे हैं। जब इस खबर को एबीपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया तो देवरिया से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। बीती रात यूपी सरकार के निर्देश पर देवरिया जेल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जेल के सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग मिटाए जाने के सबूत मिले हैं।
साथ ही जेल के अंदर खाने पीने के सामान भी मिले हैं। यूपी सरकार ने इस मामले में एडीजी जेल से रिपोर्ट देने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना के बाद जेल अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, साथ ही अतीक अहमद को जेल से किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं आज एबीपी न्यूज पर पीड़ित परिवार ने अतीक अहमद से खुद की जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है। और इस बीच आपको बता दें कि इसी से जुड़ी खबर आ रही है कि बाहुबली अतीक अहमद को देवरिया से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा है। जेल से रंगदारी का वैसे ये मामला नहीं है, दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। वही मैं आपको बता रही थी, जेल से रंगदारी का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यूपी में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। यूपी की जेल में बंद खूंखार अपराधी कैसे सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, उसकी तस्वीर एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हुई थी। कुछ दिन पहले ही एबीपी न्यूज ने पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत का खुलासा किया था। यहीं इससे भी कुछ दिन पहले यूपी के रायबरेली में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थीं, जहां जेल को ही अपराधियों ने मौज मस्ती का अड्डा बना लिया था। वायरल वीडियो में कैदियों के पास खतरनाक हथियार और मोबाइल फोन भी दिखा था। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर यूपी से है। यूपी के बदोही में समाज को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां दबंगों ने एक महिला को अर्धनग कर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। भदोही के गोपीगंज इलाके में एक बुनकर महिला के साथ दबंगों ने वो किया जिससे पूरा समाज शर्मसार है। छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला के घर में जबरन घुसकर उसे अर्धनग्न कर दिया और फिर पूरे गांव में दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दबंगों ने पीड़ित महिला के पति की भी पिटाई की और उसी के सामने महिला के कपड़े उतार दिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने पहले छेड़खानी का मामला दर्ज करने से मना कर दिया। वहीं पुलिस अब वीडियो के आधार पर कार्यवाही का भरोसा दे रही है। इसमें जो वीडियो है आई है, उसकी जांच भी कराई जा रही है और जितनी भी विवेचना साहब के सुपरविजन में हो रही है उसमें महिला का मेडिकल करा दिया गया है और उस आधार पर और आगे भी कार्रवाई। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां के झांसी में एक परिवार को छेड़खाने का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोपियों ने एक ही परिवार के सात लोगों के ऊपर तेजाब फेंक दिया। घटना झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना की है। हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े ये सभी लोग एक सनकी के शिकार बने हैं। बताया जा रहा है कि पड़ोस में रहने वाले गौरव नाम का आरोपी एक घर की बहू के साथ पिछले कुछ दिनों से छेड़खानी कर रहा था। रविवार की सुबह भी आरोपी घर में घुसकर छेड़खानी करने लगा। जब घरवाले अपनी बहू को बचाने के लिए आए तो आरोपी ने अपने माता पिता के साथ मिलकर सभी घर वालों के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। तेजाबी हमले की चपेट में परिवार के सात सदस्य आ गए। सभी को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। फिलहाल पुलिस ने वारदात में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जब बात कानून व्यवस्था की आती है तो कमोबेश हो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई दूसरा राज्य हो, लगभग स्थिति एक जैसी ही दिखाई देती है। देखिए, सत्ता बदल गई, शासन बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो हालात। राजस्थान के अलवर में एक बार फिर गाय के नाम पर हिंसक भीड़ का डरावना रूप देखने को मिला। मॉब लिंचिंग की ये ताजा तस्वीरें राजस्थान के अलवर जिले की हैं। वही अलवर जहां पर गाय के नाम पर पहलू और रकबर नाम के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ हुआ। एम्बुलेंस से बुरी हालत में निकलता ये शख्स उन्मादी भीड़ तंत्र का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि एक पिकअप गाड़ी में छह गायों को लेकर जा रहा था। ग्रामीणों ने गाड़ी को रोका, लेकिन एक गोतस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। लेकिन 23 साल का ये युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। भीड़ ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। मॉब लिंचिंग की एक और घटना सामने आने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भीड़ की हिंसा कैसे रुकेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आज एनआईए की टीम ने एक बार फिर यूपी के अमरोहा और दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद इलाके में छापेमारी की। पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एनआईए की टीम ने तड़के सुबह ही अमरोहा, सीलमपुर और जाफराबाद में छापेमारी की और वहां से पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया। इन लोगों के पास से ISIS के पर्चे और हथियार बरामद हुए। कुछ दिनों पहले एनआईए की स्पेशल टीम ने यूपी के अमरोहा और दिल्ली के जाफराबाद समेत देश की 17 जगहों पर छापेमारी की थी, जिनमें कुल मिलाकर 10 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। मुफ्ती सुहेल नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी अमरोहा से हुई थी, जिसे एक संदिग्ध आतंकी बताया गया था। आज उसी कड़ी में जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए की टीम ने अमरोहा और दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद में फिर से छापेमारी की है। हालांकि एनआईए की इस कार्रवाई पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी सवाल उठा रहे हैं। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें अदालत में जल्द अज जल्द पेश करके सबूत पेश करने चाहिए, लेकिन
जो मालूमात मुझे हुई है लोगों की, ट्रैक्टर को में इस्तेमाल होने वाला जैक, हाइड्रोलिक जैक जो लोकल बना हुआ है, उसको एनआईए कह रही है कि ये रॉकेट लॉन्चर है। देखिए ना, 2018 का आखिरी पंचनामा है, लेकिन खबरें ऐसी आ रही है जो दिल दहला रही है। वहां गुजरात में देखिए, एक ही फैमिली के 10 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। कबाड़ बनी कार और सड़क पर पलटा हुआ ट्रक, बीच सड़क पर मौत का ये मंजर दिल दहला देने वाला है। खौफनाक हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की जान चली गई। ये हादसा गुजरात के कच्छ के भचाव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि इनोवा गाड़ी में सवार होकर एक परिवार अपने गृह नगर भुज जा रहा था, इसी दौरान हादसा हो गया। पुलिस ने बताया कि नमक से भरा ट्रेलर ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ते हुए दूसरी तरफ चला गया और इनोवा कार और ट्रेलर ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। इतना ही नहीं, पीछे से आ रही एक और ट्रेलर ट्रक ने इनोवा कार में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इनोवा कार में 11 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो गई। अगली खबर भी दिल दहला देने वाली है और मौत से जुड़ी हुई है। देश में ठंड और कोहरा जानलेवा साबित हो रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे में घने कोहरे की वजह से 10 वाहन आपस में भिड़ गए, एक शख्स की मौत हो गई। इस गाड़ी की हालत देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। सफेद गाड़ी का कचुंबर निकल गया है, वहीं अंदर एक शख्स फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। पास ही एक और गाड़ी है, बोरियों से लदा टैंकर उल्टा पड़ा है और बोरियां रास्ते पर बिखरी हुई हैं। दरअसल यह हादसा यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 51-52 के बीच हुई। घने कोहरे की वजह से मिर्च से भरा आइसर कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया। पीछे से तेज रफ्तार से आ रही प्राइवेट बस कैंटर से जा टकराई और फिर ऐसे ही करीब 10 गाड़ियों की एक के बाद एक टक्कर होती चली गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए, जबकि एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक्सप्रेसवे में फिर एक बार आवागमन चालू हो चुका है, इसलिए जितना हो सके सर्दी में अपना ख्याल रखें। और आपके शहर में कैसा होगा मौसम का हाल, मौसम का सटीक अनुमान बता रही है शिवांगी आनंद। नमस्कार, मैं शिवांगी आनंद और आप देख रहे हैं स्कैमिट वेदर रिपोर्ट। स्कैमिट ने जैसा अनुमान लगाया था, नॉर्थ इंडिया के शहरों पटियाला, शिमला, देहरादून, मेरठ, दिल्ली, जयपुर, अजमेर सहित आसपास के भागों में दिन और रात के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि देखने को मिली। इसके बावजूद शीतलहर का प्रकोप कई शहरों में जारी रहा। मध्य भारत में इंदौर, भोपाल, बिलासपुर, जगदलपुर, पुणे और नासिक में भी दिन में पारा 1 से 2 डिग्री बढ़ा, लेकिन जबलपुर, अहमदनगर, अकोला, जलगांव और परभणी में शीतलहर जारी रही। यही नहीं, जलंधर, अंबाला, यमुनानगर, चूरू, सीकर जैसे कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना अभी भी बनी हुई है। ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के शहरों में कोल्ड वेव से कल कोई राहत नहीं मिलने वाली। स्कैमिट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। तो मौसम का हाल तो आपने जान लिया, और अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जिसे आज एक नया तोहफा मिला। लाजपत नगर से मयूर विहार 1 के लिए मेट्रो के नए सेक्शन की शुरुआत हुई है आज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने हरी झंडी दिखाकर इस सेक्शन की शुरुआत की। ये पिंक लाइन 9.7 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 5 स्टेशन होंगे। इनमें विनोबापुरी, आश्रम, हजरत निजामुद्दीन, मयूर विहार फेज 1 और मयूर विहार पॉकेट 1 शामिल हैं। हर 5 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलेंगी। ये नया सेक्शन 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन का हिस्सा है, जो मजलिस पार्क से शिव विहार तक फैला हुआ है। डीएमआरसी ने साल 2002 में पहली बार दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत की थी और वर्तमान में इसका नेटवर्क 317 किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस पर 231 स्टेशन हैं। दिल्ली में मेट्रो से हर रोज करीब 26 लाख यात्री सफर करते हैं और ये देश की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है। अब जरा आपको बता दें कि यही खत्म करेंगे, लेकिन नए साल में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए खबरों का एक नया पंचनामा। जाते जाते आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से आई नए साल के जश्न की कुछ खास तस्वीरें के साथ छोड़े जाते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।